अच्छा, आप जानते हैं हमारा सबसे बड़ा हेल्थ इशू क्या है? अक्सरियत की नज़र में ये कोरोना वायरस या इस जैसे कई वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगस हो सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट की नज़र में सबसे बड़ा इशू जेनेटिक डिसऑर्डर्स या मोरूसी बीमारियाँ हैं, क्योंकि ये बाकियों से बड़ा चैलेंज है। इसको समझना एक चैलेंज है। मैं हूँ डॉक्टर तारिक जमान, पाकिस्तानी नजाद कैनेडियन। मैंने 18 साल से ऐसे अमराज पर कोरिया, कैनेडा और अमेरिका में जदीद तहकीक की है। मेरे समेत बहुत से कौमी और बैन अलावी साइंसदानों की एक बड़ी टीम इस बात से इतफाक करती है कि पाकिस्तान में ऐसे अमराज जिनकी बेसिस डीएनए में है दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसकी वजूहत जेन्युइन है। ऐसी कौन सी वजूहत हैं, वो कौन से अमराज हैं जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, कौन इनसे मुतासर है, ये कैसे मुंतकिल होते हैं, इसका इलाज क्यों एक बड़ा चैलेंज है, इसका बचाव कैसे मुमकिन है, ये सब कुछ देखने और समझने के लिए आए मिलकर इंसानियत की बात करें। सियासत से हट कभी को बात करें, अपनी बात करें, अपने बच्चों की बात करें। आए हर मर्ज को बैक ट्रैक करें। ऐसा नहीं किया तो हमारे साथ मिल के ट्रैक करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमारी अगली नस्लें मुआफ़ न करें। कुरान की 750 आयात ऐसी हैं जिसमें नेचर और हिस्ट्री को स्टडी करने का कहा गया है। मेरा आज का मौजू उस बीमारी की एक नई किस्म से है जो पिछले 4000 सालों से लिटरेचर में है, जिसका इलाज आज भी एक बड़ा चैलेंज है। इसी मर्ज की एक किस्म ने अरफा करीम जैसी कौम की काबिल रश्क बेटी को हमसे छीना। ऐसे कई गुमनाम लोग आज भी इसका शिकार हैं। मैं जिस नई किस्म की बात कर रहा हूँ उसकी बेसिस हमारे डीएनए में है। इस बीमारी पे तहकीक अमेरिका, यूरोप, कैनेडा और दुबई के कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या हॉस्पिटल्स ने मिलकर इसका सबसे ज़्यादा काम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया में किया गया, जो यूनाइटेड स्टेट का दूसरा सबसे अच्छा बच्चों का अस्पताल है। 26 साइंसदानों की टीम ने ये मिलकर काम किया। इस काम में मेरा रोल जो था वो लीडिंग रोल था। हमने जो तहकीक की ये दुनिया के हाई प्रोफाइल साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुई। जेनेटिक डिसऑर्डर्स या मोरूसी बीमारियों को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि जो इसकी बेस है डीएनए या वो जो सीक्रेट कोड हैं उन्हें समझा जाए। डीएनए है क्या? ये बेसिकली कोड्स हैं जिसके दो सेट हैं, एक हमें माँ से मुंतकिल होता है और एक बाप से। ये बीमारी डीएनए के उस हिस्से में पाई गई जिसका नाम SCN3A या वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल टाइप 3 है। इसे गेट भी कहते हैं। ये घर के गेट की तरह ओपन और क्लोज होता है। इसका ओपन होना इलेक्ट्रिक सिग्नल या बरकी सिग्नल को अलाउ करता है या जनरेट करता है, और इसका क्लोज होना बेसिकली उस सिग्नल को टर्न ऑफ कर देता है। इन म्यूटेशन ने जो गेट या चैनल की ओपनिंग और जो क्लोजिंग मैकेनिज्म है उसको काफ़ी डिस्टर्ब किया। मैकेनिस्टिकली क्या हुआ कि डोर के जो क्लोजिंग मैकेनिज्म है स्पेशली उसको उसने ऑल्टर किया। गेट जो है वो ओपन स्टक रहा, मीन्स के जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्लोजिंग स्टेट के अंदर भी फ्लो करती रही। यूं जो ब्रेन का वो यूनिट जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं या सिंगल यूनिट जिससे कि ब्रेन बनता है, जब से सबसे छोटी चीज़, सबसे बुनियादी यूनिट, उसके अंदर एक ख़ास किस्म की स्पार्किंग होती है, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग। जब काफ़ी सारे सेल्स या न्यूरॉन्स मिलके इलेक्ट्रिक स्पार्किंग करते हैं तो बेसिकली पूरे ब्रेन के अंदर स्पार्किंग पाई जाती है। इस स्पार्किंग को जो है वो हम EEG या इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी के थ्रू पता करते हैं। ये वो पहला टेस्ट है जिससे ये पता चलता है कि बच्चे में एपिलेप्टिक सीयर्स हैं। ये टेस्ट हमने परफॉर्म किया। अगला टेस्ट
जो हमने किया उसे एमआरआई कहते हैं। ये इंतहाई सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है जिससे ये पता चलता है कि ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं उनकी शेप क्या इंटैक्ट है, कहीं ट्यूमर तो नहीं, कहीं स्ट्रोक तो नहीं। इस टेस्ट से ये भी पता चल सकता है कि कहीं इसका रीज़न जो है वो ब्रेन इंसर्ट तो नहीं। अगर ये ना हो तो जो अगली चीज़ सस्पेक्ट की जाती है वो ये कि इसका रीज़न जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक टेस्टिंग में जो सोफिस्टिकेटेड अप्रोच है वो या तो होल जीनोम सीक्वेंस करना है या होल एक्सोम। होल जीनोम मीन्स कि 3 अरब 10 करोड़ डीएनए कोड्स को सीक्वेंस करना, और होल एक्सोम सीक्वेंसिंग मीन्स कि वो 20,000 जीन्स जो हमारे जिस्म की बनावट और उसके काम में ज़रूरी हैं उन सब जीन्स का जो फंक्शनल हिस्सा है उनको डीकोड किया जाए या सीक्वेंस किया जाए। हमने ये बच्चे जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स थे इनका होल एक्सोम सीक्वेंस किया और हमने ये देखा कि जो SCN3A जीन है उसके उन हिस्सों में ऐसी म्यूटेशंस थी जो 42 लाख दुनिया के सेहतमंद लोगों में नहीं थी, जो इवन बंदर, चमगादड़, चूहे और कुकू में भी नहीं थी। तो हमने ये प्रिडिक्ट किया और ये प्रिडिक्शन बहुत हद तक रिलायबल है कि ये जो बेसिस हैं जिन पे ये चेंजेस पाई गई यही इस नई बीमारी की वजह हो सकती। अब जो अगला टास्क था वो ये कि ये जो डीएनए के मुख्तलिफ बेसिस में या कोड्स में जो तब्दीली देखी गई इसको लेबॉरेटरी सेटिंग में टेस्ट किया जाए कि क्या ये वाकई बीमारी फैलाती हैं। उसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की अप्रोच इस्तेमाल की जिससे कि हम कोई भी जीन जो है वो लेबॉरेटरी में बना सकें। जो टास्क था वो बीमार जीन का फंक्शन देखना था कि इसके काम करने की सलाहियत कैसे मुतासर हुई, वो भी लेबॉरेटरी सेटिंग में हमने मालूम किया। वो मेडिकल साइंस का सबसे सोफिस्टिकेटेड तरीका जिससे कि हम ये जान सकते हैं। हमने इस जीन का फंक्शन देखा कंट्रोल कंडीशन में कि जब हम एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पास करते हैं तो ये चैनल 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ओपन होता है और तकरीबन 500वें हिस्से के अंदर ये बंद होना शुरू हो जाता है, और इसको ऐसे ही काम करना चाहिए। आज की दुनिया में जो सबसे एडवांस मेथड है मेडिसिन का वो है प्रिसीजन या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ये किसी भी इंसान की जेनेटिक्स को यानी उसके जीन्स को समझ के दी जाती है। यही चीज़ हमने यहाँ की। इस स्टडी का जो आखिरी और सबसे मुश्किल और एक्साइटिंग हिस्सा था वो था इस बीमार जीन को विद इन यूट्रस मैनिपुलेट करना, क्योंकि ये बीमारी बच्चे के दिमाग में तब शुरू हो जाती है जब वो भी पैदा भी नहीं हुआ, यानी मिड प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के तकरीबन निसफ में जाके ये बीमारी शुरू होती है। तो हमने उसके एग्जैक्टली इक्वल टाइम पे हमने ये बीमारी चूहों के बच्चों के दिमाग में मुंतकिल की। अगर आप ये लेफ्ट पे देखें तो हमने डीएनए जो है इनके दिमाग के ख़ास हिस्से में इंजेक्ट किया, फिर उसको एक ख़ास मैकेनिज़म से जो जीन है वो ब्रेन के अंदर ट्रांसफ़र किया, और फिर पैदाइश के बाद हमने ये कंफर्म किया कि जीन ट्रांसफ़र भी हुआ है कि नहीं। तो जो हमने जीन इनके दिमाग में डाला वो एक बीमार बच्चे का था, और उसके साथ एक हमने एक और जीन नथी कर दिया जिसका काम सब्ज़ रोशनी देना था। और फिर हमने जिन चूहों के दिमाग में ये जीन ग्लो कर रहा था, रोशनी दे रहा था, हम उन्हें उनका ब्रेन जो है वो स्लाइस किया, एक सेल की जो है वो फंक्शनल टेस्टिंग की। अगर ये आप ऊपर टॉप पे देखें जहाँ लिखा हुआ वाइल्ड टाइप, मतलब ये हेल्दी हैं, ये जो ब्लैक ट्रेसेस हैं ये
वो चूहे हैं जिनमें हमने बीमार नहीं बल्कि सेहतमंद जीन डाला और इसका जो सिग्नल है इलेक्ट्रिक सिग्नल वो नॉर्मल है। लेकिन अगर ये सुर्ख हिस्से में देखें जिसको हमने म्यूटेंट कहा मतलब बदला हुआ या बीमार, इसमें जब एक सिग्नल जनरेट हुआ तो उसको बंद होने में टाइम लगा, बंद होते होते भी उसने कई इलेक्ट्रिक सिग्नल के बर्स्ट मारे। दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रिक स्पार्किंग कर रहा है। इलेक्ट्रिक स्पार्किंग मीन्स एपिलेप्टिक सीजर्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक ऐसी बीमारी को डिस्कस करेंगे जो 5 जनरेशन में हमने ट्रेस की और जिसके फैमिली मेंबर्स कश्मीर, कनाडा, यूएस और इंग्लैंड में मुकीम हैं। किसने मीडिएट किया और ये बीमारी कैसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल की, इस पर कितनी रिसर्च हो चुकी और इसकी इंटरनेशनल रिसर्च या नेशनल रिसर्च के लिए कितना स्कोप है, और फिर वो लोग जो इंग्लैंड, यूएस या कनाडा में मुकीम हैं हम उन्हें इनक्रेज करेंगे कि वो भी इसकी तहकीक में इसका हिस्सा बने ताकि उनकी अगली नस्लों को इस बीमारी से महफूज रख सकें। ये इटालियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मुझे अप्रोच किया, ये खुद साइंटिस्ट हैं और उन्हें लगा कि मैं इस बीमारी का एक्सपर्ट हूँ, मैं उन्हें बेहतर रहनुमाई कर सकता हूँ। अगर आप अपनी फैमिली में या अपने गिर्दोनवा में कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन देखते हैं जो एक से ज़्यादा फर्द में पाई जाती है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मुश्किल है, जिसकी ट्रीटमेंट बाज़ार नज़र नहीं आती, जिसकी जो लॉजिक्स हैं वो बेस करती हैं मिथ पे, मोस्ट प्रोबेबली वो डीएनए में हो सकती है, आप ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पे अपनी एक शॉर्ट ऑडियो या वीडियो भेजें। हम फैमिली की पहचान को सीक्रेट रखेंगे, हमारा मकसद बीमारी डिस्कस करना है ना कि फैमिली, और उन फैमिलीज़ को इस हद तक हेल्प करना है कि वो अपनी अगली नस्लें बचा सकें। मैं अपनी पढ़ी लिखी यूथ को, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को इनक्रेज करूँगा कि वो व्हाट्सएप करें ऐसे एक शॉर्ट रिपोर्ट आइदर थ्रू ईमेल या थ्रू ऑडियो और वीडियो। ये यूथ जो है वो हमारे मुल्क को बदल सकती है। हम बेशुमार फैमिलीज़ को इन नाकाबिले इलाज बीमारियों से आइंदा के लिए बचा सकते हैं, और ये सब कुछ करने के लिए और इससे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें और आप जो है वो एजुकेट होते रहें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और उनकी अगली नस्लों के लिए।